मध्य प्रदेश के मौसम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर रोजाना मौसम अपडेट देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके जिले का भी मौसम अपडेट हम देख सकें। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है तो अंत तक इसे जरूर देखें। आइए जानते हैं 30 और 31 जुलाई को मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा, कहां पर भारी बारिश के आसार हैं तो कहां पर अभी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर प्रदेश में तापमान कैसा है, कहां पर ज्यादा गर्मी है तो कहां पर अभी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो चलिए तापमान के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि भोपाल, इंदौर, शिवपुरी, रायसेन, टीकमगढ़, दतिया, सिवनी और साथ ही छिंदवाड़ा, रायसेन, ग्वालियर, खजुराहो, भिंड, अशोकनगर, पन्ना, बालाघाट, छतरपुर, विदिशा, मंदसौर, नीमच, आगर, टीकमगढ़ के साथ ही अन्य जिलों में जो तापमान है वो 30 से लेकर 35 डिग्री के बीच में बना हुआ है। कुछ शहरों में तापमान जो है वहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और 30 डिग्री के नीचे भी पारे में गिरावट दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर आने वाले 2 से 3 दिन में और ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि आने वाले 2 दिन कहां पर बारिश होगी। तो मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 8 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है और 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की बारिश बूंदाबांदी लगातार होती रहेगी। खास तौर पर मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिंगरौली, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। यानी कि आने वाले 2 से 3 दिन में छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिंगरौली, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह ये जिलों में खासतौर पर अलर्ट जारी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, उमरिया, सिवनी, मंडला, रीवा, सीधी जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही साथ लोगों से अपील की है कि बरसाती नालों के आसपास ना जाएं, क्योंकि इस समय नदियां उफान पर हैं, ऐसे में घटनाएं हो सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने गुना, ग्वालियर, शिवपुरी के साथ 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नीमच, मंदसौर, विदिशा, छतरपुर के साथ 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, मंडला, बालाघाट, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन की बात करें तो इन संभागों के अन्य जिलों में रिमझिम बारिश की आशंका जताई गई है। अब जिलों के हिसाब से देखते हैं तो डिंडोरी में 30 जुलाई को भारी से भारी बारिश का अलर्ट और 31 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया है। बालाघाट में भी 30 जुलाई को भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, 31 को रेड अलर्ट। मंडला में 30 जुलाई को भारी बारिश, 31 को रेड अलर्ट। रीवा की बात करें तो रीवा, सतना दोनों ही जगह 30 से 31 जुलाई को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। छतरपुर में भी 30 से 31 जुलाई को भारी बारिश का पूर्वानुमान है। आपको बता दें कि आने वाले 2 दिनों में कुछ कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, तो खास तौर पर मध्य प्रदेश के तेज बारिश वाले इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है कि यहां पर बिजली भी गिर सकती है। आप जानते हैं कि बीते 24 घंटे में कहां कहां बारिश हुई। तो बीते 24 घंटे के दौरान गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक खजुराहो में 50.4 mm, सागर में 29.8 और ग्वालियर में 28.1 mm, दतिया में 26.2, नौगांव में 22.2, सीधी में 21, रीवा में 15.2, सिवनी में 14.4, पचमढ़ी में 13, बैतूल में 11.8, सतना की बात करें तो 10.9, इंदौर में 9.4 mm, दमोह में 9, होशंगाबाद में 8.5, धार में 5.2 mm, श्योपुर कला में 4, मंडला में 3.3, जबलपुर में 3.2 mm, खंडवा में 3, भोपाल में 3, छिंदवाड़ा में 3, शाजापुर में 3, उमरिया में 2.3, रायसेन की बात करें तो यहां पर 2 mm, रतलाम में 2, रायसेन में 1.6, उज्जैन में 1.4 और नरसिंहपुर में 1 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो फिलहाल किसी वेदर सिस्टम के सक्रिय नहीं होने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है, लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है। इसके चलते गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। इधर बंगाल की खाड़ी में बने गहरे कम दबाव के क्षेत्र के शुक्रवार के आगे बढ़ने की संभावना है। इसके चलते एक बार फिर मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव होगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में दौरान कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है।
दक्षिणी गुजरात से उत्तरी केरल तट तक एक अपतटीय ट्रफ बना हुआ है, जिसकी वजह से हवाओं का लगातार नमी आने का सिलसिला जारी है। इसके चलते आने वाले कुछ दिनों में जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।